तो चलिए शुरू करते हैं। समय के होंठ अपने सिने पर महसूस करते ही तापसी चहक उठी। उसके मुंह से अपने आप सिडेक्टिव आवाज में आहा निकल गई। तापसी हाफ नेक्ड थी, उसकी अपर बॉडी पर कोई कपड़ा नहीं था। समय उसे को मुंह में भर तेज तेज सक बाइट किस करने लगा। तापसी के मुंह से मदहोशी भरी आहा और तेज निकलने लगी, जो समय को और एग्रेसिव होने के लिए मजबूर करने लगी। समय उसके कोलबोन से होते हुए उसके पेट पर आ गया। समय तापसी के पूरे पेट पर किस बाइट के निशान बनाने लगा। तापसी की आहें अब चिख में बदल गई। समय कुछ ज्यादा ही वायलेंट होके तापसी को बाइट करने लगा, जिसे तापसी को अब दर्द होने लगा था। तापसी समय को रुकने को बोल तेज दर्द से तड़पते हुए रोते हुए बोली, आहा समय जी, दर्द हो रहा है, प्लीज रुक जाए। तापसी को काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। समय को तो दे से उसकी बातें सुना ही नहीं दे रही थी। वो पूरी तरह कंट्रोल से बाहर हो चुकी थी। उसे तापसी का दर्द, उसका रोना सुना ही नहीं दे रहा था। तापसी फिर से रोते हुए समय को खुद से दूर करते हुए बोली, आहा समय जी, दर्द हो रहा है, प्लीज अब रुक जाए। इस बार समय ने तापसी की आवाज सुनी। उसने अपनी स्पीड स्लो कर दी, लेकिन रुका नहीं। उसने तापसी के पेट पर जहाँ जहाँ बाइट किया था वहाँ पर सक करने लगा, जिसे तापसी का दर्द कुछ कम हो वो हुआ भी कुछ ऐसा ही। समय के गीले किस से तापसी के दर्द में कुछ राहत मिली। फिर भी समय बीतते वक्त के साथ और वाइल्ड होने लगा। तापसी का सॉफ्ट दूध सा मुलायम पेट पूरी तरह लाल लव बाइट से भर चुका था। समय उसकी भीगी हुई आंखें देख उसकी दोनों आंखों पर बारी बारी किसकर उसकी कमर कसके पक पूरी तरह उसमें समा गया। उसके अचानक ऐसे उसमें एंट करने से तापसी की दर्द नाक चिख निकल गई। समय खुद को पूरी तरह समाने के बाद थोड़ी देर तापसी ऊपर लेट गया, जिसे तापसी को थोड़ी देर सांट कर सके। तापसी की चिखे पूरे कमरे में गूंजने लगी। तापसी समय की कमर पर पैर लिप्त सिसकने लगी। समय को बार बार बाहर आने को कह रही थी। समय ने उसकी सिसक देख उसे शांत करने के लिए उसके गालों पर बारी बारी चुम के कहा, बटरफ्लाई सॉरी, लेकिन अब मैं खुद को रोक नहीं सकता। उसके बाद तापसी के होठों से होठ रबकर सिडेक्टिव वॉइस में कहा, शहजान कुछ नहीं हुआ, देखो तुम अब पूरी तरह मेरी बन चुकी हो, मेरी छोटी सी बटरफ्लाई, अब चुप हो जाओ, कुछ नहीं होगा, ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है इसलिए दर्द हो रहा है, बाद में नहीं होगा, बस थोड़ी देर शांत रहो और ये दर्द सह लो, बाद में मेरी गर्ल बटरफ्लाई को अच्छा लगेगा। तापसी समय की सिडेक्टिव वॉइस सुन धीरे धीरे शांत होने लगी। समय तापसी के बालों पर किसकर अच्छी बच्ची बनो और लेटी रहो, जो मैं कर रहा हूँ मुझे करने दो और शांत रहो। समय धीरे धीरे अपनी कमर मूव करने लगा। तापसी की बुरी तरह चिख निकल रही थी। उसे सच में काफी दर्द हो रहा था। वो अभी सिर्फ 19 साल की थी, ऊपर से उसका फर्स्ट टाइम था और उस जैसी पटली सी लड़की के लिए समय जैसे बॉडी बिल्डर को हैंडल करना आसान नहीं था, खासकर उस जैसी नाजुक सी लड़की के लिए। 20 मिनट दर्द भरी चिखे निकलती रही, फिर धीरे धीरे कर उसकी चिखे कराह में बदल गई। समय उसकी आहें सुन अपनी स्पीड बढ़ा दी। अब कमरे से समय तापसी की इंटेंस आवाज ए गूंज रही थी। सबसे ज्यादा तापसी की मदहोशी भरी आवाज आ रही थी, जो समय को और एग्रेसिव बना रही थी। समय दो घंटे तक लगातार इंटीमेट होने के बाद तापसी से अलग होके साइड में लेट गया। तापसी इतने में ही काफी थक चुकी थी, वो सोना चाहती थी, लेकिन समय कहा इतनी जल्दी सेटिस्फाई होने वाला था। उसने तापसी की कमर पकड़ उसे अपने ऊपर बिठा के अपनी मदहोशी भरी आवाज में कहा, बटरफ्लाई अब तुम करो। तापसी मना करती या कुछ बोलती, उसे पहले समय फिर से उसमें समा गया। एक और बार दोनों के बीच इंटीमेट सेशन शुरू हो गया। ऐसे ही समय तापसी के साथ कितनी ही अलग अलग पोजीशन में इंटीमेट हुआ। तापसी बुरी तरह थक चुकी थी। दोनों पूरी रात अपनी प्यार की दुनिया में खो गए। समय ने फाइनली अपनी बटरफ्लाई को पूरी तरह पा लिया, लेकिन अब ये पाना तापसी के लिए कितना दर्द भरा होगा ये तो वक्त आने पर पता चलेगा। समय का जुनून तापसी को कितना दर्द देगा वो कोई नहीं बता सकता। ये प्यार तापसी के लिए किसी सजा से कम नहीं होने वाला था। समय ने तापसी को पूरी तरह सेटिस्फाई होने के बाद सुबह 6 बजे छोड़ा। तापसी दर्द और थकान से चूर होके वैसे ही
सो गई समय भी उसके साथ उसी पोजीशन में सो गया, उसके सिने पर सर रख। अगली सुबह राहुल वरुण सुबह 6 बजे उठ समय को गालियां दे रहे थे क्योंकि समय ने उनको खाना बनाने से छुट्टी दे देके। उसके बदले उन दोनों को विला के काम और साथ में सुबह सुबह बड़ी मार्केट जाने की सजा दी थी। राहुल वरुण दोनों को जल्दी उठने से नफरत थी, दोनों एक नंबर के आलसी थे, दोनों की आदत भी एक ही जैसी थी। राहुल अपनी पोलिस ट्रेनिंग में भी कभी टाइम पर नहीं उठा, वो हमेशा एक या तो 2 घंटे लेट उठ ट्रेनिंग के लिए जाता था। उसे हमेशा ट्रेनिंग इंस्पेक्टर से दांत मिलती थी, सजा मिलती थी, फिर भी उसका लेट उठना कभी नहीं छूटा। आखिर में इंस्पेक्टर ने हार मान के राहुल को सजा देना ही छोड़ दिया। इंस्पेक्टर उसे जो चाहे सजा देता, राहुल सारी सजा पूरी कर देता, वो इंस्पेक्टर उसे हमेशा सजाता, वार्निंग देता, फिर भी राहुल उनकी कोई बात नहीं सुनता। वरुण का हाल भी कुछ ऐसा ही था, वो आज तक कभी टाइम पर ऑफिस नहीं गया, वो अपने सारे एम्प्लॉय को टाइम पर ऑफिस आने की बात करता लेकिन खुद कभी टाइम पर नहीं जाता। यहाँ तक जब भी कोई क्लाइंट उसे सुबह मीटिंग रखने की बात करता, वरुण उनसे कभी कोई प्रोजेक्ट नहीं करता। समय के अलावा वरुण ने आज तक किसी की बात नहीं सुनी। इन दोनों की आदत के बारे में समय को पहले से पता था, इसलिए उसने उनको जानबूझ के मार्केट जाने की सजा दी, वरना उसके विला में सामान अपने आप रोज सुबह आ जाता, उसके लिए किसी को भी जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। इन दोनों की आदत के बारे में समय को पहले से पता था, इसलिए उसने उनको जानबूझ के मार्केट जाने की सजा दी, वरना उसके विला में सामान अपने आप रोज सुबह आ जाता, उसके लिए किसी को भी जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। ये बात वहाँ के सारे सर्वेंट को पता थी सिवाय वरुण राहुल के। उन दोनों बिचारों को तो यही लगता है कि समय ने उनको सजा देने के लिए किसी और सर्वेंट का काम उन दोनों को दिया है। इसमें आधी बात तो सच थी कि समय ने उनको सजा देने के लिए ही सुबह जल्दी उठने का काम दिया है। दोनों आलसी की तरह चलते हुए नीचे आए, राहुल वरुण के कंधे का सहारा लेके चल रहा था, वरुण भी उसके सर से सर जोर उसकी बाजू पर एक आंख खुली कर चलते नीचे आया। दोनों ने कल रात के कपड़े पहने हुए थे, नीचे सूट ट्राउजर और सिपन टिस्ट और पैरों में स्लीपर, इसका साफ मतलब था कि दोनों अभी तक नहाए नहीं है, दोनों के बाल मेसी हो चुके थे, दोनों इतने भी बुरी नहीं दिख रहे थे, दोनों इस वक्त हैंडसम के साथ क्यूट लग रहे थे, दोनों ही काफी हॉट हैंडसम स्मार्ट है, उनकी बॉडी भी काफी हद तक समय जैसी है, लेकिन समय के मुकाबले दोनों थोड़े कम हैंडसम है। हमारा डेविल समय काफी हॉट है, उसकी बॉडी सबसे अट्रैक्टिव है, उसके एट पैक्स उसे और भी हॉट चार्मिंग बनाते है। राहुल वरुण ऐसे ही लटखाते हुए एक दूसरे का सहारा लेके विला से बाहर आए। बाहर खड़े आदमी दोनों को देख आंखें छोटी कर उनको घुने लगे, दोनों इस वक्त काफी क्यूट लग रहे थे। वरुण के बॉडीगार्ड वरुण को ऐसी हालत में देख अपना सर हिला दिया, जैसे उनको इसकी आदत हो। राहुल वरुण के कंधे पर सर रख आंखें बंद किए हुए ड्राइवर को आवाज लगा के, ड्राइवर गाड़ी निकालो, हमें मार्केट ले चलो। ड्राइवर ने उनको देख के कहा, सॉरी सर, मैं आपको गाड़ी में नहीं ले जा सकता और ना ही आप यहाँ से किसी भी गाड़ी का यूज कर सकते हो, बॉस का ऑर्डर है आपको कार का यूज ना करने दे। राहुल वरुण उसकी बात सुन सोकद हो गए। वरुण ने सोकद होके कहा, तो फिर हम मार्केट कैसे जाएंगे? उसी वक्त राघव ने पीछे से आते हुए बोला उसे। राहुल वरुण उसकी आवाज सुन पीछे मुड़ के राघव को घूरा। राघव उन दोनों के पास आके उनके कंधे थपथपाके, मुझे घुने से कुछ नहीं होगा, वहां देखो, राघव ने हाथ से इशारा से कहा। राहुल वरुण ने जैसे ही राघव की दिखाई हुई जगह देखा तो दोनों की सोकद होके एक साथ बोले, नो वे राहुल, में और उसे कभी नहीं। वरुण तूने सोचा भी कैसे? मैं वरुण जैन उसे जाएगा, मेरे पास अपनी गाड़ियां है, बॉडीगार्ड है, ड्राइवर है। वरुण का ड्राइवर आगे आके सर झुका के कहा, सॉरी सर, लेकिन आप अपनी भी कार यूज नहीं कर सकते, समय बोस का उदा है, हम आपको एक भी कार ना दे। वरुण सोकद होके, वोट में अपनी ही कार यूज नहीं कर सकता, वरुण के खास आदमी ने कहा। सर आपकी जब तक सजा चल रही है तब तक आप कुछ भी यूज नहीं कर सकते, आपको साइकिल से ही मार्केट जाना होगा।
वरना एसएम बोस ने कहा है आपको मार्केट तक पैदल चल के जाना होगा, लेकिन जाना तो होगा ही। अब आपकी मर्जी, आप दोनों कैसे जाना चाहोगे। राहुल वरुण पैदल चलने की बात सुनते ही डर गए। सबसे ज्यादा वरुण घबरा गया, वो आलसी में नंबर वन जो था। वो आज तक 1 किलोमीटर तक नहीं चला, तो यहाँ तो 8 किलोमीटर चलना था। जनाब बचपन से सोने की चमक मुंह में लेके जो पैदा हुए थे, आज तक बिना गाड़ी स्कूल तक नहीं गए थे, तो फिर पैदल कहाँ से चल पाते। दोनों एक दूसरे को मायूसी से देख साइकिलों को देखने लगे। दोनों चलने का नाम सुन मासूम बच्चों जैसा चेहरा बना के राघव की ओर देखने लगे। वरुण राघव का एक हाथ पकड़ उसे बटर लगा के, मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे हमदर्द, प्लीज अपने मासूम दोस्त को मार्केट तक ले चल, मैं अब से तेरी सारी बात मानूंगा। राहुल तो सीधा राघव के पैरों में गिर, उसका एक पैर पकड़, मुझे नहीं चलना, मुझे नहीं चलना, मुझे सोना है, प्लीज मेरी जगह तू जाके सब्जियां फ्रूट लेके आ जा, मैं तुझे यहाँ से अच्छी जॉब दिला दूंगा, वो भी पुलिस में। वरुण, में तुझे बिजनेस पार्टनर बना लूंगा, प्लीज हमारी मदद कर दे। राहुल, में तुझसे अपनी क्यूटी की शादी करवा दूंगा। राघव ने जैसे ही राहुल की लास्ट बात सुनी, उसने तुरंत दोनों को खुद से अलग कर बोला, मरने की जल्दी है क्या जो हमारी मैडम के बारे में ऐसी बात बोल रहे हो। हमारी मैडम सिफेद बोस की है, उस पर नजर उठाने वाले की ये राघव आंखें निकाल देगा। और वरुण, तू मुझे बिजनेस पार्टनर बनाएगा, तुझे लगता है मुझे तेरे बिजनेस की कोई जरूरत है। मैं अपने बोस के साथ बहुत खुश हूँ, मुझे तेरे फालतू बिजनेस की कोई जरूरत नहीं है। मैं बोस का राइट हैंड बनके हंसते हंसते पूरी लाइफ बिता सकता हूँ। जितने पैसे तुम्हारे बिजनेस में नहीं मिलते, उतने मेरे बोस एक दिन में खर्च कर देते हैं। उनके बॉडीगार्ड की सैलरी तेरे एक महीने के टर्नओवर से ज्यादा है, तो सोच मेरी कितनी होगी। तू शायद भूल गया कि हमारे अंदर ग्राउंड कैसीनो की एक दिन की इनकम तेरे छोटे से बिजनेस से कहीं गुना ज्यादा है। तू सोच, अगर एक दिन में बोस के एक कैसीनो से इतनी टर्नओवर हो सकती है, तो बाकी सबकी इनकम तू सोच भी नहीं सकता। और महाशय एसीपी साहब, आपकी पुलिस की वजह से इतना दम नहीं जीतना बोस के नाम में है। आपसे कोई इतना नहीं डरता होगा जीतना मेरे बोस के नाम से डरते हैं। यहाँ तक आपका पुलिस डिपार्टमेंट से लेके आर्मी तक मेरे बोस के सिफे नाम तक से थर थर कांपती है। अगर उनको पता चले कि बोस यहाँ से वहाँ आने वाले है, तो वो लोग पूरे रास्ते को खाली करवा देंगे। उनका एक नाम काफी है किसी की भी जान निकालने के लिए। आपको तो खुश होना चाहिए कि आपका ऐसा जीजा है जिसके एक इशारे से पूरा अंडरवर्ल्ड चलता है। तू सोच, अगर एक दिन में बोस के एक कैसीनो से इतनी टर्नओवर हो सकती है, तो बाकी सबकी इनकम तू सोच भी नहीं सकता। और महाशय एसीपी साहब, आपकी पुलिस की वजह से इतना दम नहीं जीतना बोस के नाम में है। आपसे कोई इतना नहीं डरता होगा जीतना मेरे बोस के नाम से डरते हैं। यहाँ तक आपका पुलिस डिपार्टमेंट से लेके आर्मी तक मेरे बोस के सिफे नाम तक से थर थर कांपती है। अगर उनको पता चले कि बोस यहाँ से वहाँ आने वाले है, तो वो लोग पूरे रास्ते को खाली करवा देंगे। उनका एक नाम काफी है किसी की भी जान निकालने के लिए। आपको तो खुश होना चाहिए कि आपका ऐसा जीजा है जिसके एक इशारे से पूरा अंडरवर्ल्ड चलता है। राघव की सारी बात सुन राहुल वरुण का मुंह बन गया। वरुण राघव को देख मुंह फेर के बोस का चमचा हुआ। वरुण राघव को घूर के राहुल का हाथ पकड़ साइकिल के पास चला गया। वरुण साइकिल को ध्यान से देख उसके गोल चक्कर लगा के बोला, इसकी चाबी कहाँ है और इसका गियर ब्रेक स्पीड मीटर कहाँ है? इसमें तो ब्लेड भी नहीं है और एसी भी नहीं है। वरुण की बात सुनते ही आसपास खड़े सभी लोग वरुण को आंखें फाड़े देखने लगे, जैसे उन्होंने कुछ गलत सुन लिया हो। यहाँ तक राहुल भी वरुण को बुरी तरह घुने लगा। वरुण ने जो जो मांगा था, उनमें से एक भी चीज साइकिल में नहीं थी सिवाय ब्रेक के। राघव का तो मुंह ही खुला रह गया, वो आंखें फाड़े मुंह खोले वरुण को देखने लगा। वरुण की बात सुन उसके बॉडीगार्ड ड्राइवर ने अपना सर झुका लिया। उनको अपने बोस पर काफी गुस्सा आ रहा था। उनका बेवकूफ बोस खुद के साथ साथ उनकी भी इज्जत निकाल रहा था। वरुण राघव की ओर देख, इसकी चाबी दो और इसका एसी ऑन कर दो।
अब तो हद ही हो गई वरुण, साइकिल की चाबी तो ठीक है लेकिन उसमें ऐसी की बात कर रहा था ड्राइवर बेचारा राघव के चेहरे को देख अपनी नजरे और झुका ली। उसका बस चलता तो वो वही गड़ा खोद उसमें छुप जाता। राघव के पास खड़ा बॉडीगार्ड राघव को हिला के उसे सोकत से बाहर लाके बोला, राघव भाई राघव भाई। राघव सोकत से बाहर आके हमम में थिक हूँ। राघव अपना सर सहला के वरुण के पास जाके दांत पीस के बोला, ये कोई कार नहीं है जिसमें ऐसी होगा और ना ही कोई सिट है जिसमें बेल्ट होगी। ये बिना चावी के चलती है और इसे तू अपने आलसी पैरों से चलाएगा। इसे कहते है पैडलर और इसे ब्लेक पैडल को गोल गोल मारना और इसे बेलेंस करना। ये रही सिट और ये थैली। अब जाके सामान लेके आ बेवकूफ कहीं का। राघव एक एक बात अच्छे से दांत पीस के बोली। वरुण राघव की बातें सुन हैरानी से कभी साइकिल को देखता तो कभो राघव को देसे। राघव ने उसे साइकिल नहीं कोया रॉकेट चलाने को कहा हो। राहुल बेचारा तो वरुण की बात सुन सदमे में ही चला गया था। हमारे वरुण महाशय ने कभी साइकिल चलाना तो दूर देखी तक नहीं थी। कार में घूमने वाले शहजादे के लिए साइकिल किसी रॉकेट से भी अनोखी चीज है। एक बार वो रॉकेट को चला सकता है लेकिन साइकिल को वो चला पाएगा या नहीं ये तो आगे ही पता चलेगा। कहानी में आगे वरुण हैरानी से आंखें बड़ी कर कया कहा, इसमें ऐसी नहीं है और इसे मुझे पैरों से चलाने होगी। राघव उसकी बात सुन और चिर गया। उसने चिर के कहा, हा इसे तुम्हें अपने नाजुक पैरों से चलानी होगी। राघव ने एक वद चबा चबा के कहा, वरुण साइकिल को घुर घुर के मुझे नहीं चलानी। अगर इसे चलाते हुए पुलिस ने पकड़ लिया तो बिना सीट बेल्ट के गाड़ी चलाना कानूनी अपराजित होता है और मैं अपराजती नहीं बनूंगा। अपराजित नहीं अपराध होता है सर, वरुण के ड्राइवर ने उसकी बात सही करते हुए कहा। वरुण जो भी होता है तुम समझ गए ना, अब इसे भी समझा दो, मैं अपराजित नहीं बनूंगा। राघव अब वरुण की बकवास से थक चुका था। उसका मन खुद का सर फोड़ निका कर रहा था। राघव वरुण को इग्नोर कर राहुल को देख बोला, तुम्हें तो साइकिल के बारे में पता है या तुम भी इसके देसे बेवकूफ हो। वरुण उसके मुंह से खुद को बेवकूफ सुन मुंह बना लिया। राहुल राघव की आवाज सुन होश में आके बोला, मुझे साइकिल चलाना आता है। राघव गहरी सांस लेके, चलो कोया तो समझदार है, तुम साइकिल चलाना और तुम शहजादे उसके पीछे बैठना उसे पकड़ के। वरुण को राघव की ये बात अच्छी लगी। उसने जट से हाँ में सर हिला दिया। राहुल वरुण को लेके साइकिल चलाते हुए वहां से निकल गया। राघव दोनों को जाता देख पीछे खड़े आदमी को कहा, जाने उनका पीछा करो, ध्यान रहे उनको कुछ होना नहीं चाहिए। समय का रूम समय तापसी को अपनी बाहों में भर के अभी तक सो रहा था। आज पहली बार होगा जब समय इतनी देर तक सो रहा होगा। तापसी समय बिना कपड़ों थे एक मखमली चादर में लिपटे हुए थे। तापसी समय के ऊपर सो रही थी। उसका छोटा सा सर समय के सीने में घुसा हुआ था। समय का एक हाथ तापसी की कमर पर कसा हुआ था और दूसरा तापसी के सर पर। समय ने नींद में अभी तापसी को इतना कसके पकड़ा हुआ था जैसे कहीं उसने थोड़ी भी पकड़ ढीली की तो तापसी उसे दूर हो जाएगी। तापसी भी कहा कम थी, उसने भी अपने छोटे हाथों से समय को कसके पका हुआ थे। उसके दोनों पैर समय के पैरों के बीच थे। समय तापसी दोनों ही एक दूसरे को कसके पकड़े हुए सो रहे थे। एक बड़े से विला में एक लड़का हाथों से सिगरेट लेके पी रहा था। उसके पास दो लड़की या बेदी हुई थी। एक लड़की लड़के को देख रो रही थी और दूसरी लड़की उस लड़की के रोने से इरिटेट हो चुकी थी। लड़का रोती हुई लड़की को देख सिगरेट साइड में रखी ट्रे में रख बोला, रोना बंद करो साहिन, तुम अब बच्ची नहीं रही जो छोटी छोटी बात पर रोने लगोगी। साहिन उस लड़की का नाम था जो रो रही थी। साहिन रोते हुए उस लड़के से बोली, भाई मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए। उस पर सिफे मेरा हक है लेकिन वो मुझे छोड़ किसी बटरफ्लाई के पीछे पड़ा हुआ है। मैं उसके बिना जी नहीं सकती, मुझे उसकी होना है। लड़का साहिन की बात सुन बोला, वो लड़की कौन है मैं पता करता हूँ, तू रोना बंद कर बाकी सब मुझ पर छोड़ दे। साहिन लड़के की बात सुन रोते हुए बोली, भाई मुझे कुछ पता, आप क्या करोगे कैसे करोगे लेकिन मुझे समय किसी भी हालत में चाहिए। फिर चाहे आप कुछ भी करो लेकिन मुझे समय चाहिए चाहिए चाहिए, वरना आप जानते हो मैं क्या कर
सकती हूँ। साहिन अपनी पास बेदी लड़की के हाथ को दूर कर बोली, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है साहिन बासुनाम। है मेरा आज जो तुमने किया है, अगली बार गलती से भी मेरे काम के बीच आने की हिम्मत मत करना वरना मैं भूल जाऊंगी कि तुम कौन हो, साहिन गुस्से में लड़की से बोली। लड़की साहिन की बात सुन डर गई। लड़की डर से साहिन से दो कदम पीछे हो गई। लड़का लड़की को डरता देख अपनी बहन से थोड़ा गुस्से में बोला, साहिन ये क्या तरीका है वानी से बात करने का, अभी के अभी वानी से सॉरी बोलो। सॉरी बोलूं वो भी, इसे आपने सोच भी कैसे लिया, मैं इसे सॉरी बोलूंगी वरदान भाई, आप चाहते हो आपकी साहिन किसी के सामने झुके। साहिन ने एटीट्यूड से वरदान से बात की, उसकी नजरें गुस्से में वानी को घूर रही थी। वधौन ने अपनी बहन की बात सुन कुछ नहीं कहा, उसने अपना सर ना में हिला दिया। साहिन वानी को घूर के वहां से जाते हुए वरदान से बोली, भाई आप पर पहला हक मेरा है, ये बात आप भूलना मत, आप मेरे सामने किसी और को सपोर्ट नहीं कर सकते वरना मैं खुद को खत्म कर लूंगी। साहिन इतना बोल वहां से चली गई। वधौन अपनी बहन की खुद को खत्म करने की बात सुन गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठी बंद कर ली। वधौन वाशु साहिन वाशु का भाई और वानी का बॉयफ्रेंड वरदान समय का बिजनेस राइवल है, दोनों की राय ली से पूरा अमेरिका डरता है। समय वधौन जब जब सामने आई है, दोनों के बीच महायुद्ध शुरू हुआ है। वधौ को जब साहिन के समय से प्यार करने वाली बात पता चली, उसे बहुत गुस्सा आया। उसने साहिन को साफ मना भी किया था लेकिन साहिन ने वधौन की बात नहीं मानी। ऊपर से उसने वधौन को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि अगर वधौन ने उसकी शादी समय से नहीं करवाई तो वो अपनी जान ले लेगी, और उसने दो बार खुद की जान लेने की कोशिश भी की थी जिसे वधौन को ना चाहते हुए भी अपनी बहन के आगे झुकना पड़ा। उसने अपनी दुश्मनी भुला के समय के सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। वधौन पूरी दुनिया में अपनी बहन से सबसे ज्यादा प्यार करता है, वानी से भी ज्यादा। साहिन की हर जिद पूरी करना उसकी आदत बन चुकी है। साहिन को बचपन से वरदान ने इतना बिगाड़ा है कि अब साहिन उसकी भी कोई बात नहीं सुनती, जो उसका दिल करता वही करती, चाहे फिर वो वधौन को पसंद हो या ना हो। वधौन को अपनी बहन के इस नेचर को देख खुद पर कई बार गुस्सा आया है कि क्यों उसने उसे इतना बिगाड़ रखा है, क्यों उसने उसकी हर जिद मानी, क्यों उसे किसी चीज के लिए मना नहीं किया। पहले साहिन ऐसी नहीं थी, जब तक वधाटन साहिन के मोम देव जिंदा थे तब तक साहिन कभी फालतू चीज के लिए जिद नहीं करती, जो उसके देद लाके देते वो खुशी खुशी ले लेती। लेकिन जब दोनों की मौत हुई उसके बाद वधौन ने सारी जिम्मेदारी खुद के छोटे कंधों पर उठा ली थी। उस वक्त वधौन सिर्फ 12 साल का था और साहिन 8 साल की। वधौन ने 7 साल में अपना बिजनेस और नाम खुद अपने दम पर बनाया। वधौन का होटल बिजनेस है जिसे उसके देद ने एक होटल से शुरू किया था और वधौन ने उसे अपने दम पर पूरी दुनिया में फैलाया। वाशु कंपनी होटल बिजनेस अमेरिका में दूसरे नंबर पर आती है और पहले पर समय मल्होत्रा की ड्रैगन कंपनी समय की नॉर्मल होटल बिजनेस में भी एक अलग पहचान थी जिसे लोग ड्रैगन कहते हैं। ड्रैगन नाम समय ने नहीं दुनिया ने उसे दिया है, वरना उसके बिजनेस होटल का नाम पहले डेंजर्स होटल कंपनी था जिसे लोगों ने ड्रैगन नाम से बुलाना शुरू किया। अब वो ड्रैगन क्यों पड़ा और ऐसा क्या है डेंजर्स होटल के पीछे, वो तो आपको बाद में पता चलेगा। वधौन साहिन के जाने के बाद वानी से बोला, सॉरी वानी, वो अभी मासूम बच्ची है, उसकी बातों को दिल पर मत लेना, वो अभी थोड़ा गुस्से में है इसलिए ये सब बोल दिया। वानी वधौन को इतना कुछ होने के बाद भी इतना कामली बोलते देख अपना सर ना में हिला दिया। जैसे उसे कहना चाहती हो कि तुम और तुम्हारी ये आदत साहिन को और बिगाड़ रही है। वधौन वानी के पास जाके उसका हाथ पकड़, सॉरी जान, मेरी बच्ची को माफ कर दो, वो सच में अभी बच्ची है। वानी वधौन के मुंह से साहिन के लिए बच्ची सुन गुस्से में अपना हाथ चुरा के बोली, यही आदत तुम्हें एक दिन पछताने के अलावा कुछ नहीं देगी, तुम हमेशा उसकी सारी गलत बात को बच्ची की नादानी समझ इग्नोर करते आए हो, यही चीज साहिन को इतना जिदी बना दी। वो तुम्हारे हाथ से पहले ही बाहर जा चुकी है, अगर तुमने ऐसे ही उसकी बातें मानी तो वो बहुत बड़े खतरे में पड़ेगी।
वधौन अभी भी वक्त है, संभल जाओ और उसे भी संभालो, वो पूरी तरह तुम्हारे हाथ से चली जाए, उसे पहले उसे रोको वरना बहुत देर हो जाएगी। डार्क हेल। समय तापसी को लेके हॉल में बैठा हुआ था। उसके सामने राहुल वरुण टूटी फूटी हालत में सोफे पर गिरे हुए थे। राघव दोनों को खुन्नस में देख रहा था। तापसी राहुल वरुण को ऐसी हालत में देख हैरान थी। तापसी इस वक्त समय की गोद में थी। समय तापसी को ठीक से पकड़ अपने दोनों हाथ उसकी कमर पर लिपट राहुल वरुण को आंखें छोटी कर देख रहा था। राहुल अपने सर पर एक हाथ रख दूसरे हाथों को देख रोते हुए वरुण को लात मार के बोला, कमीने मेरा सर फोड़ दिया, हाथ तोड़ दिया, मनहूस कहीं का, ये सब तेरे कारण हुआ। वरुण राहुल के ऐसे लात मारने से सीधा जाके जमीन पर गिरा। उसके गिरते ही उसकी चिख निकल गई, आह मेरी कमर। वरुण अपनी कमर सहलाते हुए चिल्ला के बोला, हाय राम तोड़ दी मेरी कमर, मर गया। राहुल उसकी नौटंकी देख चिरके, अभी तक तोड़ी नहीं है, अब तोड़ूगा कमीने, एक बार मेरा हाथ पैर ठीक होने दे, तुझे एक महीने तक हॉस्पिटल एडमिट नहीं करवाया तो मेरा नाम भी राहुल वमो नहीं। डार्क हेल। समय तापसी को लेके हॉल में बैठा हुआ था। उसके सामने राहुल वरुण टूटी फूटी हालत में सोफे पर गिरे हुए थे। राघव दोनों को खुन्नस में देख रहा था। तापसी राहुल वरुण को ऐसी हालत में देख हैरान थी। तापसी इस वक्त समय की गोद में थी। समय तापसी को ठीक से पकड़ अपने दोनों हाथ उसकी कमर पर लिपट राहुल वरुण को आंखें छोटी कर देख रहा था। राहुल अपने सर पर एक हाथ रख दूसरे हाथों को देख रोते हुए वरुण को लात मार के बोला, कमीने मेरा सर फोड़ दिया, हाथ तोड़ दिया, मनहूस कहीं का, ये सब तेरे कारण हुआ। वरुण राहुल के ऐसे लात मारने से सीधा जाके जमीन पर गिरा। उसके गिरते ही उसकी चिख निकल गई, आह मेरी कमर। वरुण अपनी कमर सहलाते हुए चिल्ला के बोला, हाय राम तोड़ दी मेरी कमर, मर गया। राहुल उसकी नौटंकी देख चिरके, अभी तक तोड़ी नहीं है, अब तोड़ूगा कमीने, एक बार मेरा हाथ पैर ठीक होने दे, तुझे एक महीने तक हॉस्पिटल एडमिट नहीं करवाया तो मेरा नाम भी राहुल वमो नहीं, वधौन अभी भी वक्त है, संभल जाओ और उसे भी संभालो, वो पूरी तरह तुम्हारे हाथ से चली जाए, उसे पहले उसे रोको वरना बहुत देर हो जाएगी। ए फ्लैट आगे। डार्क हेल। समय तापसी को लेके हॉल में बैठा हुआ था। उसके सामने राहुल वरुण टूटी फूटी हालत में सोफे पर गिरे हुए थे। राघव दोनों को खुन्नस में देख रहा था। तापसी राहुल वरुण को ऐसी हालत में देख हैरान थी। तापसी इस वक्त समय की गोद में थी। समय तापसी को ठीक से पकड़ अपने दोनों हाथ उसकी कमर पर लिपट राहुल वरुण को आंखें छोटी कर देख रहा था। राहुल अपने सर पर एक हाथ रख दूसरे हाथों को देख रोते हुए वरुण को लात मार के बोला, कमीने मेरा सर फोड़ दिया, हाथ तोड़ दिया, मनहूस कहीं का, ये सब तेरे कारण हुआ। वरुण राहुल के ऐसे लात मारने से सीधा जाके जमीन पर गिरा। उसके गिरते ही उसकी चिख निकल गई, आह मेरी कमर। वरुण अपनी कमर सहलाते हुए चिल्ला के बोला, हाय राम तोड़ दी मेरी कमर, मर गया। राहुल उसकी नौटंकी देख चिरके, अभी तक तोड़ी नहीं है, अब तोड़ूगा कमीने, एक बार मेरा हाथ पैर ठीक होने दे, तुझे एक महीने तक हॉस्पिटल एडमिट नहीं करवाया तो मेरा नाम भी राहुल वमो नहीं। वरुण अपनी कमर पकड़ खड़ा होके दूसरे सोफे पर बैठ के बोला, ओए मैंने क्या किया जो तू मुझे मारना चाहता है, मैंने तो तुझे ब्रेक लगाने से मना किया था, तूने ही ब्रेक लगाई, तो क्या करता, उसमें खुद को पूरा गार देता और यहाँ की जगह हॉस्पिटल पहुंच जाता, राहुल ने गुस्से चिरके कहा। वरुण, हम उसके ऊपर से आराम से निकल जाते लेकिन तूने ही डर से ब्रेक लगा दी, मैंने तो मना भी किया था, उसमें मेरी क्या गलती जो हम गिरे। राहुल उसकी बात सुन ओरछे गया। उसने गुस्से में दांत पीस वरुण से कहा, बेवकूफ आदमी, हमारे पास कार नहीं थी जो उस गड्ढे को आसानी से पार कर देती, हमारी साइकिल के लिए वो गड्ढा काफी बड़ा था, वो उसे क्रॉस नहीं कर पाती और तेरे चक्र में हमारी साइकिल उसमें गिरी और हमें ये चोट लगी। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि जब दोनों साइकिल से सामान लेके वापिस आ रहे थे, वरुण सामान पकड़े पीछे बैठा हुआ था और राहुल धीरे धीरे साइकिल पेड़ लगा के चला रहा था। राहुल ने स्पीड काफी कम रखी थी, उसे सुबह सुबह साइकिल चलाना अच्छा लग रहा था। सुबह की ठंडी हवा वो धूप राहुल को काफी सुकून दे रही थी।
वरुण उसकी स्पीड देख बार बार उसे और तेज चलाने को कह रहा था, जिसे सुन राहुल पूरी तरह इरिटेट हो चुका था, इसलिए उसने भी पेड़ फास्ट लगाना शुरू कर दिया। उसे जल्द से जल्द विला पहुंचने था और वरुण से पीछा छुड़ाना था। राहुल जितनी तेज साइकिल चलाता वरुण उसे और तेज चलाने को बोलता। इसी चक्कर में राहुल की साइकिल एक गड़ में आके फंसी। राहुल ने एन टाइम पर ब्रेक लगा के गिरने से बचा लिया, लेकिन जब थोड़ी दूर आने बाद दूसरा गड़ा दिखा तो वरुण ने उसे ब्रेक लगाने से मना किया। राहुल ने वरुण को बहुत समझाया, लेकिन वरुण ने उसकी एक नहीं सुनी और दोनों उसी गढ़ के कारण गिरे। वो तो अच्छा था वहां ज्यादा गाड़ियां आती जाती नहीं थी, वरना दोनों अभी सच में हॉस्पिटल होते। राहुल वरुण दोनों को सर पर हल्की चोट आई थी और हाथों में राहुल को पैर में भी चोट आई थी, जो सर हाथ से थोड़ी गहरी थी। पैर में चोट उसके साइकिल चलाने कारण आई थी, वरुण को पैर में नहीं लगी थी। समय दोनों को कुत्ते बिल्ली जैसे लगते देख शक आवाज में बोला, चुप हो जाओ दोनों, दोनों के दोनों किसी काम के नहीं हो, एक काम ढंग से नहीं कर सकते। घर की सफाई का काम दिया तो एक दिन में मेरे 200 मिलियन का नुकसान कर दिया, किचन का काम दिया तो मेरे किचन को ही बर्बाद कर दिया, बाहर से सब्जी लाने को कहा तो तुम दोनों ने खुद की ये हालत कर ली। ऐसा कोई काम है जो तुम दोनों बिना नुकसान बिना खुद को चोट पहुंचाए कर सकते हो? समय की बात पर तापसी टपाक से बोली, एक काम है जो दादा कर सकते हैं। समय आंखें छोटी कर अपनी बटरफ्लाई को घूर के, कौन सा काम? तापसी, खाना खाने का। दादा जब तक पूरे टेबल का खाना चट नहीं करेगे, अपनी जगह से नहीं उठेगे, फिर चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। राहुल अपनी बहन की बात सुन अपना मुंह रोने जैसा बना लिया। उसकी बहन उसे डायरेक्ट इनडायरेक्टली उसे भूखा बुला रही थी। समय अपनी मासूम बटरफ्लाई के सिर पर हाथ फिरा के उसका सर फिर से अपने सिने पर रख दिया। राघव जो कब से चुप बैठा हुआ वरुण राहुल को घूर रहा था, उसने समय के पास आके कहा, एस एम आप मुझे दुनिया का कोई भी काम बोलोगे मैं करूँगा, आप जितना लोगों को मारने बोलोगे मैं मारूंगा, लेकिन इन दो पागलों की जिम्मेदारी मुझे मत देना वरना मैं मर जाऊंगा। दोनों ने सुबह से मेरा और सारे बोधिगार्ड का सर खराब कर दिया है, तो आगे क्या होने वाला है? आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर शेयर करें। सो अभी कहानी जारी रहेगी। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर रिव्यू एंड कमेंट योर बेस्ट पार्ट ऑफ एन स्टोरी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके। एंड इफ यू लाइक माई स्टोरी सो कमेंट्स योर फीलिंग्स विद हार्ट इमोजी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे।